હેલો દગડીઓ, કેમ છો તુમ? ઠીકી વેલા તુમ? મેં ભી તુમતે કિસે વાત પૂછું રેન ઠીકી વેલા. સ્વાગત છે તુમાર મ્યા ચેનલ સુનીતા ઉત્તરાખંડમાં. બડો તે મ્યા નમસ્કાર, છોટો તે મ્યા ઢેર સારા પ્યાર. દોસ્તો કેસે હો આપ લોગ? હોપફુલી આપ લોગ સબ અચ્છે હોંગે, સ્વસ્થ હોંગે ઓર એન્જોય કર રહોંગે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આજકલ ના ક્યા વિડીયો બનાવું કુછ સમજ નહીં આતા, ક્યા કરું કુછ સમજ નહીં આતા. દો સાલ સે વિડીયો તો બનાઈ રહી હું, તો એસા લગતા હૈ જૈસે કે દો સાલ સે કન્ટિન્યુ લોગ બોલતે હૈ कि वीडियो कंटिन्यू रखना चाहिए, ब्रेक नहीं लेना चाहिए. तो उससे यूट्यूब पे ये रहता है कि हाँ, मतलब कि हाँ ये इंसान लगा हुआ है, मतलब वीडियो बना रहा है. तो मैंने ब्रेक भी नहीं लिया कभी, मैं वीडियो बनाते रहती हूँ. तो फिर भी उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब ना. और मैं भी मतलब हिम्मत नहीं हार रही हूँ, ऐसा नहीं है. मैं फिर भी बनाते रहती हूँ. मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, चले तो चले, नहीं चले तो ये मेरी लाइफ टाइम की मेमोरी जो है वो सेफ हो रही है. तो कभी हम तो देखेंगे ना, पब्लिक नहीं देखेगी तो हम तो खुद तो देखेंगे अपनी वीडियोस को. तो बस इसीलिए मैं ब्लॉग बनाते रहती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉग इसमें ब्लॉक रहेगा तो कल को लाइफ में मैं देख पाऊँगी. तो बस इसीलिए मैं ब्लॉग बना देती हूँ. तो मतलब कुछ अच्छा सा नहीं लगता, मतलब ना समझ में भी नहीं आता घर के अंदर भी क्या ब्लॉग बनाऊँ. घर के बाहर जाना होता नहीं है तो समझ ही नहीं आता कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ. घर के अंदर मैं क्या रोज़ बेड शीट झाड़ के बिछाऊँ, क्या मैं बर्तन धोऊँ, क्या मैं किचन, क्या मैं कपड़े, ये सब आपको देख देख के आप भी बोर हो जाओगे ना. एक दो वीडियो देखोगे उसके बाद बोलोगे यार जब देखो यही दिखाते रहती है. तो एक हाउसवाइफ के लिए वीडियो बनाना बहुत टफ होता है क्योंकि वो उसके जीवन में काम होता है. तो ये कि घरेलू काम वो करेगी तो वो सोचेगी कि मैं मतलब चलो यही दिखा लेती हूँ. क्योंकि होता है ना कि हाउसवाइफ को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो बाहर जाए, क्योंकि उसे बच्चे देखने हैं, बच्चों का खाना पीना, घर का काम. तो वो सोचती है कि फिर मैं, इससे अच्छा है कि मैं अपना कैमरा लगा के अपनी वीडियो भी बनाते रहती हूँ, उसका मन भी लग जाता है. तो मतलब बात सही है कि हाउसवाइफ इस टाइप की ही वीडियो बना सकती है. लेकिन क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि देखने वाले लोग बोर हो जाएंगे, है ना. फिर सोचती हूँ कि क्या नया करें, कि मतलब ऐसा वीडियो में क्या लाएं कि जो पब्लिक को देखने में इंटरेस्ट आए और कुछ नया उनके लिए बनाएं. तो समझ ही नहीं आता. और मैंने ये देखा है, मैंने जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा मेहनत की, जिस वीडियो पे मैं बहुत रेडी होके, बहुत प्रिपेयर होके, कैमरा वैमरा लगा के, लाइटिंग वाइटिंग लगा के वीडियो बनाती हूँ ना, उस वीडियो पे मिलता है मुझे जीरो अंडा. जीरो अंडा मिलता है उस वीडियो पे. और जिस वीडियो को ऐसे ही बनाती हूँ उसको फिर भी लोग देख लेते हैं, और मेहनत से जो बनाती हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं देखते. तो क्या करें, समझ नहीं आता. जितनों की वीडियो काफ़ी मैंने देखी है, मैं भी देखते रहती हूँ वीडियो, तो जो जिस टाइप की वीडियो होती है उस टाइप की वीडियो हम बना नहीं सकते क्योंकि वो हम पे अच्छा नहीं लगता. तो इसीलिए हम नॉर्मल जो वीडियो बनाते हैं वही बनाते हैं घर पे. तो अगर चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो हम ही देख लेंगे बुढ़ापे में. जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हम अपना ब्लॉग देखा करेंगे, बैठ के अपना टाइम पास करा करेंगे. अच्छा टाइम पास होगा बुढ़ापे के लिए. हम अपना मेमोरी सेव कर रहे हैं कि अरे हम कभी ये करते थे, ये किया हमने, है ना. तो मतलब कि कुछ लक की बात भी होती है, कुछ लक की बात भी होती है कि अगर लक अच्छा है ना आपका तो आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगा. मेहनत और लक हमेशा लाइफ में काम आते हैं, क्योंकि मेहनत तो इंसान सभी कर रहे हैं, लेकिन एक लक होता है ना कि जिसका कि मतलब स्टार वाला होता है, जो चमकता है, एक तो वो होता है. और एक लक वो होता है कि आप काम तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका लक ही साथ नहीं दे रहा तो आप क्या करोगे. तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ऐसे बोलने वाली बात है कि मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत तो सभी कर रहे हैं, ऐसे नहीं है. मेरी वीडियो आप शुरू से देखोगे तो क्या मैंने मेहनत नहीं करी है, हैं? जब मेहनत करी है तभी तो वीडियो बनाई है. एक कुकिंग की वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, और डांस की वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है. हवा में तो कोई चीज़ें होती नहीं है ना, हर चीज़ में मेहनत लगती है. लेकिन जब लक ही तुम्हारा घटिया होगा, दो कौड़ी का होगा, तो तुम्हारा कहाँ से सक्सेस होगे तुम. तो वही मेरे साथ है, मतलब कि बस वही है कि मेहनत तो कर लो पर लक कहाँ से लाओगे, वो वाली बात है. तो
कितने लोग मेरी बातों से एग्री हैं कि कितनों के साथ ऐसा होता है कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है सक्सेस उनका, तो बट मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बनाते रहूंगी जब तक ठीक रहूंगी, बनाते रहूंगी ताकि मैं आगे चल के अपनी वीडियो देख पाऊँ, है ना। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो का एंड, और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या सोच है इस बारे में। अब हम YouTube के प्लेटफॉर्म में हमने कदम बढ़ाया है तो हमारे जो गिले शिकवे हमारे जो भी होंगे हम YouTube को ही बोल सकते हैं ना, तो क्योंकि YouTube में हमने आए हैं तो हम YouTube को ही बोल सकते हैं। तो अगर अगर ये वीडियो चल जाती है तो हाँ लगेगा कि नहीं ये वीडियो भी ऐसी वीडियो भी चल सकती है, तब तो हम मानेंगे, लेकिन इस पे भी वही हाल होना है वो तो मुझे पता ही है।